ठीक है, आइए बढ़ते आगे। और अब आज हम न्यूज पर यूज सेगमेंट है ना थोड़ा जल्दी कर रहे हैं 10:30 बजे के बजाय, क्योंकि हमारे साथ बेहद बेहद खास मेहमान है, रामदेव सर जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। तो आइए, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने पेश किए हैं अपने नतीजे, उस पर न्यूज पर यूज आइए अब आपके सामने। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रामदेव सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। कल बाजार बंद होने के बाद बेहद तगड़ी परफॉर्मेंस वाले नतीजे आते हुए दिखे, जो एक दो बढ़िया दमदार हाइलाइट्स मुझे दिख रही है वो दर्शकों के सामने रख दूं। ब्रोकिंग बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आती दिखी है, तगड़ी ग्रोथ है, जहां पर आपके लिए रेवेन्यू लगभग 52% साल दर साल बढ़ाए, 19% तिमाही दर तिमाही। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी 40% के आसपास की ग्रोथ आई, लेकिन सबसे दमदार चीज जो है वो अब तक की सबसे बड़ी नेटवर्थ है और बैलेंस शीट साइज 100 बिलियन रुपीज से ज्यादा पार करती दिखी है। सर स्वागत है, गुड मॉर्निंग, पहले तो बताएं इस तिमाही की हाइलाइट्स कैसी रही है सर? गुड मॉर्निंग अनिल, एक्चुअली ये अब मेरे खुद के एस्टिमेट से बम्पर रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा ये साल। और इसमें क्या है? नहीं मतलब जो है वो है ऐसा, मतलब नंबर जो है, मैं बोर्ड मीटिंग में घुसा तो भी मेरे को सरप्राइज हुआ, इस टाइप का नंबर है। सो नंबर इज वेरी गुड। आपका जो सी फंडामेंटली ये कंपनी ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और हाउस फाइनेंस और ट्रेजरी, ये चार चीज से बना हुआ है। यदि आप देखेंगे ये टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट इस साल इसमें आया है करीब 1537 करोड़ के आसपास आया है, अगेंस्ट 123 करोड़ लास्ट ईयर। अब ये क्या है कि बहुत स्टैगरिंग काइंड ऑफ नंबर है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एट दिस पेस। मतलब 8 गुना आपका बढ़ गया। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, इसमें ट्रेजरी में लॉस हो गया था काफी, 300-400 करोड़ का। सो दैट हैड डिप्रेस्ड द प्रॉफिट। दिस ईयर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सेगमेंट टू सेगमेंट वाइज, जैसे आपका ब्रोकिंग है दैट इज अप बाय 84% for the quarter and 61% for the year. iBanking is actually zero. There is no fee booking there. AMC has done well in this quarter. HFC has actually, one of the problem with Motilal was that housing finance initiative had not done well for last 2-3 years. I think that has stabilized in the current year, and this we have done about 18 crores profit. If it is not for the second wave of COVID, at least this business is now stabilized and hopefully should do significantly better in 21-22. That's what it looks to me today, except for caveat is the COVID ka the problem. Baki puri company ke liye ROE is saal bana hai 38%, and so har hisab se kafi acha hai. Aur usme kya hai ki दो तीन बिजनेसेस जो है, जैसे आपका आई बैंकिंग है, हाउसिंग फाइनेंस है, प्राइवेट इक्विटी है, ये सब बिजनेसेस में नेक्स्ट ईयर का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट का कंपोजिशन बदलेगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी 550 करोड़ है वो बढ़ के अभी पता नहीं कितना आएगा। इस बिजनेस में बहुत डिफिकल्ट प्रेडिक्ट करने का, मेरे साथ इतना है, लेकिन इससे अच्छा आना चाहिए ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली, यानी कि आगे के आउटलुक भी बढ़िया। तो लेकिन जब आप वो कहते हैं ना कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर, सारे बिजनेसेस दमदार कर रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कहां आपको ज्यादा मजबूत ग्रोथ दिख रही है? ग्रोथ तो सभी जगह है, ज्यादा मजबूत सेगमेंट्स कौन से दिख रहे हैं सर? देखिए, ब्रोकिंग इज कंटिन्यूइंग। आप देखें कल जो है एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेरे ख्याल से, कल 100 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 100 लाख करोड़ का कल सौदा हुआ है एक्सपायरी में। तो ये बहुत बड़ा, सी अल्टीमेटली मुद्रा ओसवाल का से 1.5-2% मार्केट शेयर होगा, तो जितना आपका टर्नओवर होगा डेली उतना उतना टर्नओवर यहाँ होता है, और ये भी मोर लेस सेट है। सो जो अभी जो है, जो ब्रोकिंग में जो बूम है, नए कस्टमर्स आ रहे हैं, डिजिटल पूरा एंड टू एंड डिलीवरी हो गया है उसी कारण से, और काफी एक्साइटमेंट है बाजार में, तो उसी कारण से ब्रोकिंग बिजनेस इज लाइकली टू डू वेल, बट इतना अच्छा नहीं बढ़ेगा जितना लास्ट ईयर हुआ। लास्ट ईयर तो मतलब 60% ऊपर आया, तो उतना तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इट विल डू वेल। आई बैंकिंग विल हैव द ड्रामेटिक टर्नअराउंड फ्रॉम 0 to 20-25 करोड़, 50 करोड़ कुछ भी आ सकता है,
एएमसी में भी एयूएम इस बार एवरेज अच्छा रहेगा तो वो भी अच्छा करेगा, बट आई थिंक द रियल थिंग इज द एचएफसी, दिस इज द लास्ट इनिशिएटिव और हमने काफी लंबी ट्यूशन फीस भरी इसमें, तो ये बिजनेस जो है अब हमको लगता है थोड़ा समझ में आ गया है, कंट्रोल में भी आ गया है। अब कोविड के चलते थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन कोविड वन में भी इतना अच्छा किया मतलब स्टेबलाइज हुआ है, तो मुझे लगता है कि 21-22 शुड बी अ ईयर फॉर दिस बिजनेस टू फाइनली टर्न अराउंड। तो ये ऐसा लगता है कि बट यू नो साल के शुरू में नहीं मालूम था कि इतना अच्छा होगा, तो आज ये बोलना कि कैसे होगा अगला एक साल, ये टफ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंदर से कि ऑपरेटिंग बिजनेसेस विल डू बेटर देन लास्ट ईयर। बिल्कुल, तो ब्रोकिंग बिजनेस दमदार रहा इस साल भी रहेगा और 150% क्लाइंट एडिशन में आपकी ग्रोथ नजर आई, तो यानी कि नए क्लाइंट्स काफी आते हुए दिख रहे हैं इस साल दिखे, तो सर फिर उन नए क्लाइंट्स के लिए चूंकि आप दोनों ही तरीके से, एक तो आप फंड मैनेजमेंट करके पीएमएस अपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए लोगों की वेल्थ क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ खुद कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि उन शेयर होल्डर्स के लिए भी आपकी कंपनी में निवेश करके वेल्थ बन रही है, लेकिन ये जो नए नए क्लाइंट्स आए उनके लिए एक राय लेना चाहता हूं जो पिछले एक साल में मार्केट में आए हैं और पूरी तेजी तेजी देखी है, अभी भी कोविड के केसेस इतने ऊपर हैं लेकिन बाजार गिरने का नाम नहीं ले रहा है, क्या सलाह होगी जो नए इन्वेस्टर्स अब बाजार में उतरे उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सी यदि नए इन्वेस्टर हैं, सी इन्वेस्टिंग के लिए आ रहे हैं तो मतलब उनका स्वागत है और वो बहुत अच्छा करेंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत फर्टाइल है, वी हैव डिजिटल कैपेबिलिटी, वी हैव फैंटास्टिक डेमोग्राफिक्स, वी हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर अस, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा लॉन्गर टर्म होराइजन रखें, 3 साल 5 साल 10 साल, जितना लंबा होराइजन होगा उतना लंबा पैसा कमाएंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पेशेंस, ये दोनों जब साथ में आता है फिर इस मार्केट में कोई रोक नहीं सकता है। सो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट लेकिन जो जल्दी में जिनको स्पेक्युलेटिव काम करना है वो उनको मतलब मुझे मेरा कोई सलाह नहीं है, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता क्या होगा, लेकिन उसमें काफी काफी डेंजर है, इन द सेंस दैट यू मे लूज मनी, सो डोंट बी स्पेक्युलेटर, बी इन्वेस्टर एंड देन यू आर बाउंड टू डू वेल। ठीक बात है, इन्वेस्टर्स के लिहाज से ठीक है। सर आप आए तो नेचुरली एक आध राय आपकी मार्केट पर भी डायरेक्शन लेना जरूरी है। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि जहां एक और कोरोना के मामले रिकॉर्ड आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बाजार फिर से बड़ी रिकवरी के मूड में तेजी के मूड में आता हुआ दिख रहा है, तो जो थोड़ा मिसमैच दिख रहा है उस मिसमैच को कैसे समझे, ऐसा क्यों हो रहा है और आगे बाजार को लेकर आपका क्या डायरेक्शन? अनिल ये इतना कंफ्यूजिंग ईयर है, मतलब आपको यदि कोई बोलता 12 महीना पहले कि भाई तब कोरोना होगा और एक वेव में खत्म नहीं होगा, पहले तो लगता था एक वेव में खत्म है, एक बार खत्म होगा तो खत्म होगा ऐसा, अभी तो ये समझ में आता कि सेकेंड वेव होगा, थर्ड वेव होगा, फोर्थ होगा, तो मतलब परमानेंट अपने साथ में आ गया, तो इतना बड़ा रिस्क अपने घर में आ गया है एंड उसके बाद भी मार्केट रिकॉर्ड लेवल पे रहेगा ये समझने का बहुत मुश्किल था 12 महीना पहले। ऐसे अभी आगे 12 महीने में क्या क्या टर्बुलेंस आएगा, वेदर मार्केट में स्काई रॉकेट ऑन द लो इंटरेस्ट रेट, मैसिव लिक्विडिटी बूम, ग्लोबल कंजम्पशन बूम, या मतलब ये कोरोना फिर कुछ नया कलर दिखाने के मूड में है, सो काफी अनसर्टेनिटी है, सो आई वुड रिमेन वेरी कॉशियस, दो आई विल रिमेन फुली इन्वेस्टेड इन द मार्केट बिकॉज सम ऑफ द सेक्टर्स आर वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्टेड इवन डिस्पाइट कोविड, तो उसे उसके चलते जहां अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रहा है वहां वहां पर आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो काफी अच्छा हो। सर रिजल्ट सीजन पे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसा आपने शुरुआत में एक सेंटेंस कहा भी कि इतने तगड़े रिजल्ट्स आए मेरी कंपनी के, मैं खुद देखकर सरप्राइज हूं, क्या ऐसे रिजल्ट्स आप बाकी कंपनियों को देखकर भी सरप्राइज हो रहे हैं कि वाकई में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आ रही है, और फिर दूसरा ये कि क्या ये परफॉर्मेंस आपको लंबे समय तक चलती हुई दिख रही, क्योंकि मुझे याद है बजट के वक्त आपसे मुलाकात हुई थी और आपके बजट के बाद वाले मैंने प्रेजेंटेशन जो देखे थे कहा था कि वो बड़ा वाला बूम जो पिछली बार जो अर्निंग साइकिल आया था वैसे ही अर्निंग साइकिल का बूम इस बार भी आने की संभावना, क्या ये सोचना ठीक है? सर देखिए एक तो के शेप रिकवरी ये देखिए आप, मतलब ये जो आधे कंपनी कई छोटी छोटी कंपनी है वो या तो साइडलाइन हो गई है या बंद ही हो गई है या सब ऑप्टिमल कैपेसिटी में चल रहे हैं, उसी कारण से जो बड़ी कंपनीज हैं जो वेल डन कंपनीज हैं
उनको बहुत डिस्प्रोपोर्शन बेनिफिट है, सो कोई डाउट नहीं है। तो अर्निंग्स, अच्छा दूसरा क्या है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वेरी लो, लेबर डजंट हैव बार्गेनिंग पावर। सिर्फ कॉमोडिटी साइड में काफी बूम दिख रहा है अभी, तो उसके चलते आपको थोड़ा सा मतलब एक ऐसा प्ले आउट होगा, देखना पड़ेगा। जो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है एंड दे आर एबल टू पास ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज, वो कंपनी से बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि डिमांड अच्छा रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे रहेगा, यू हैव द प्राइसिंग पावर, सो यू हैव ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। उसे उसके चलते यू हैव टू फाइंड द कंपनी, बिकॉज ये इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट जो बिल्ड हो रहा है वो तो मेरे ख्याल से और काफी खराब होगा एज वी गो अलोंग, एज द ग्लोबल इकोनॉमी ओपन्स अप। तो ये काफी उत्थम गति होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट अपॉर्चुनिटी तो है, कहीं कहीं पर ब्लोआउट अर्निंग्स आएंगे। अभी तक मेरे को दिखा नहीं इस क्वार्टर के अर्निंग्स में ऐसा कहीं पर बहुत बड़ा सरप्राइज दिखा नहीं, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल सेक्टर में ही सबसे ज्यादा सरप्राइज आ रहा है अभी तक तो, बट अदरवाइज कोई बड़ा अभी तक दिखा नहीं। ठीक बात। अच्छा सर, आपकी चूंकि कॉन्फ्रेंस कॉल भी, आई मीन एनालिस्ट कॉल भी है और उसके लिए आप बिजी में, तो मैं आखिरी सवाल एक और लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। कमोडिटी साइकिल बहुत स्ट्रांग दिख रहा है सभी तरह, चाहे वो खाने पीने की चीजों से लेकर मेटल वगैरह हो, इस कमोडिटी साइकिल को इन्वेस्टर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कैसे इसमें पैसे बनाने, ये बताएं सर। अनिल, आई एम नॉट एबल टू मेक मनी इसमें। इसमें क्या है कि ये जो है समझना, कहां कहां पर जहां समझ में आ जाए कि यहाँ शॉर्टेज डेवलप हो रहा है, जैसे ये कॉपर का बोल रहे हैं कि भाई इट विल बी अ सुपर साइकिल, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग इलेक्ट्रिक, सो फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यू नीड लॉट ऑफ कॉपर, सो इलेक्ट्रिक कार बन रही है, सब कुछ बन रही है, तो उसमें क्या है कॉपर बहुत यूज में आता है, उसी कारण से अच्छा कॉपर का माइनिंग इज वेरी टफ, तो उसके लिए बोलते हैं कॉपर में बहुत शॉर्टेज होगा, इस टाइप की जो है एक एक स्टोरी बन रही है। अच्छा चीज ये है कि कॉमोडिटीज में देयर आर नॉट टू मेनी आइटम्स, मतलब आप 10-15 चीजों की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, स्टील, सीमेंट, ये सब मतलब कुछ गिने चुने चीजें हैं, तो सबका एक एक का फंडामेंटल समझ लिया, यदि आपको समझ में आ गया ग्लोबल डिमांड, इफ इट इज ग्लोबली ट्रेडेबल, मोस्ट ऑफ कमोडिटीज आर ग्लोबली ट्रेडेबल, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल डिमांड सप्लाई एंड वेयर इज द स्क्वीज एंड हाउ लॉन्ग द स्क्वीज कैन कम एंड हाउ इजिली सप्लाई कैन कम। जैसे पेपर क्या होता है, जैसे ये आपका फाइबर है ग्लास फाइबर हो, वो बहुत बहुत बढ़ता है और सप्लाई भी 15 महीने के अंदर आए थे जम के, उसके कारण से क्रैश भी बहुत जल्दी आता है। सो जहां जहां पर लॉन्ग साइकिल है, जैसे आपका कॉपर है, यू कैनॉट स्टार्ट द माइंस ओवरनाइट, यदि डिमांड आता है तो जहां जहां पर सप्लाई इज कंस्ट्रेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, वहां वहां पर आपको बूम बहुत लंबा दिखेगा और वहां वहां मार्केट आपको ज्यादा रिवॉर्ड करेगा, ऐसी मेरी समझ है। बाकी आप लोग शायद सब तरफ से ज्यादा, बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास मिलने के लिए, यू शुड बी एबल टू टेल देम अ लॉट मोर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं नहीं आपकी समझ और आपकी डायरेक्शन की हमें हमेशा जरूरत रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार फिर से आपकी कंपनी की इस तिमाही की शानदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करते हैं इसी तरह से और परफॉर्मेंस दमदार रहे, आपके शेयर होल्डर्स और आपके इन्वेस्टर्स दोनों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। शुक्रिया रामदेव सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मोतीलाल ओसवाल, ये है वो शेयर जो दमदार एक्शन में, और एक बार यहां पर भी नजर डाल दें शेयर की परफॉर्मेंस में, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत ही दमदार देखने को मिले हैं और स्टॉक का अभी भी 15 रुपए मजबूत ट्रेड करता दिखा है। ऊपरी स्तर से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ कारोबार होता दिखा है। आइए वक्त है एसपीएल मिडकैप स्टॉक्स का, हमारे दो खास